नमः शिवाय। आश्विन मास शुक्ल पक्ष रविवार पंचमी तिथि सुबह 6:45 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में दोपहर 1:10 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात मूल नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी बुधदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, संतोषी, धार्मिक, यशस्वी, वैभवशाली, तर्कशास्त्री, वैज्ञानिक अभिरुचियों वाले होते हैं। ऐसे जातक शीघ्र क्रोधित होने वाले, पशुओं के प्रेमी और उच्च अभिलाषी भी होते हैं, मगर उन्नति के कार्यों में विघ्न बाधाओं की पुनरावृत्ति बनी रहती है। यदि सहयोगी लग्न रहा बुध, केतु और बृहस्पति की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा 1:15 तक वृश्चिक राशि में ही चलते रहेंगे। तत्पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अतः पूरे दिन के दौरान दोपहर तक बुध के नक्षत्र का प्रभाव मिलता रहेगा, मगर दोपहर के बाद केतु के नक्षत्र का मिला जुला प्रभाव कायम रहेगा। आज चंद्रमा की युति शनि के साथ दोपहर तक कायम हो जाएगी, जिससे अनावश्यक मानसिक दबाव, हर काम के प्रति जल्दबाजी, व्यग्रता, व्यवहार में उतावलापन और मन में नकारात्मक विचारों का उठना संभावित है। हालांकि मेहनत करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी और कार्य योजनाओं में लगे रहेंगे। सरकारी कामकाज में सहयोग मिलेगा, मगर वाणी की उग्रता को नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस होगी। मेष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सुधार होगा, मगर मानसिक उत्साह में कमी आएगी। मन में नकारात्मक विचारों का उठना स्वाभाविक है। मां का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा और रुकी हुई योजनाएं पूरी होंगी। नई कार्य योजनाओं का प्रस्ताव और उसके विकास के प्रति उत्साह और रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी। संबंधित मामलों में यात्रा का योग भी बनता है। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा और साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा, मगर वाहन सावधानी से चलाएं। वृष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। मौसम संबंधी समस्याओं के साथ जल्दी पकड़ में न आने वाली समस्याएं संभावित हैं। हालांकि गृहोपयोगी वस्तुओं में निवेश का योग बनता है। नई कार्य योजनाओं में और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और साझेदारी सफल रहेगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा और आपकी योजनाएँ पूरी होंगी। निजी निवेश लाभदायक रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिल सकती है। राजकीय मामलों में सहयोग बना रहेगा। वैवाहिक मामले फलीभूत होंगे, मगर वाहन सावधानी से चलाएं। मिथुन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुधार के साथ साथ आत्मविश्वास और रचनात्मक सक्रियता में वृद्धि होगी। कार्य योजनाओं में सार्थक पहल जारी रहेगी और सरकारी सहयोग बना रहेगा। नौकरी करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजा जा सकता है या कुछ न कुछ सीखते रहने का मौका मिलेगा, मगर कार्य क्षेत्र में विभागीय अधिकारियों का अवरोध और मानसिक दबाव का संकेत मिलता है। साथ ही बृहस्पति का वृश्चिक राशि में परिवर्तन व्यावसायिक उलझनों और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं की ओर संकेत करता है। सावधानी अपेक्षित है। हालांकि कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी। साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे और नई कार्य योजनाओं के विस्तार का मौका मिलेगा और विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन में सफलता प्राप्त करेंगे। प्रयास जारी रखें। कर्क राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अधिकारियों का सहयोग और सकारात्मक प्रेरणा जारी रहेगी, मगर आत्मविश्वास और मानसिक ऊर्जा प्रभावित होगी। हालांकि रुकी हुई या अधूरी योजनाएं पूरी होंगी और सरकारी कामकाज में सहयोग मिलेगा। अतिरिक्त कार्यभार मिल सकता है। साझेदारी में लाभ संभव है। निजी निवेश लाभदायक रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और संतान संबंधी बाधाएं खत्म होंगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और प्रयास पूरे होंगे, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां अपेक्षित हैं। सिंह राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा और लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। प्रयासों में सहयोग मिलेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मगर सार्थक पहल आवश्यक है। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव मिल सकते हैं। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और रुके हुए सरकारी कामकाज संपन्न होंगे, मगर पेट संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। निजी निवेश और साझेदारी लाभदायक रहेगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और प्रयास सार्थक होंगे।
कन्या राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सुधार के साथ साथ वाणी का परिष्करण होगा, मगर मानसिक दबाव, मन में नकारात्मक विचारों का उठना, मां के स्वास्थ्य की चिंता संभावित है। घरेलू चिंता लगी रहेगी, हालांकि व्यावसायिक मामले अनुकूल रहेंगे और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। दैनिक जीवन की क्रियाशीलता में थोड़ा उतार चढ़ाव होने के बाद भी आपका दिन आपके प्रयासों को सफल बनाने में सहयोग करेगा। मित्र व संबंधियों से सही दिशा निर्देश जारी रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और मौसम संबंधी सावधानी बनाए रखें। वैवाहिक मामले आज के लिए अनुकूल रहेंगे। तुला राशि वाले जातकों के लिए सेहत और आंतरिक ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग मिलेगा, मगर व्यावसायिक योजनाओं के प्रति मन में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। इस दौरान अपनी योजनाओं में लिए गए कुछ निर्णय लाभदायक रहेंगे, मगर कुछ मामलों में देरी की संभावना भी बनती है। व्यावसायिक मामलों में नकारात्मक विचारों से दूर रहें। निजी निवेश लाभदायक रहेगा। आर्थिक लाभ आपके मेहनत के अनुसार मिलता रहेगा। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल है। रुके हुए या विवादित मामलों में सावधानी अपेक्षित है और वैवाहिक मामले सफल रहेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों को मानसिक स्थिरता के साथ धैर्य और संयम की आवश्यकता है। वाणी में उग्रता, कार्य योजनाओं में जल्दबाजी और व्यग्रता संभावित है। किसी भावनात्मक पहलू के निर्णय में लेने में कमी और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, जिससे निर्णय लेने में दिक्कत महसूस होगी। निजी संबंधों और पारिवारिक सलाह की प्रेरणा लेते हुए कार्य योजनाओं को संपन्न करें, सफल रहेंगे। वैवाहिक प्रयास सार्थक होंगे। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। धनु राशि वाले जातकों को अत्यधिक ऊर्जा के साथ जल्दबाजी महसूस होगी। आपका ऊर्जा स्तर बढ़ा हुआ रहेगा, मगर उग्रता के साथ वाणी में प्रखरता और तेजस्विता परिलक्षित होगी और अनावश्यक उत्तेजना का दौर आता रहेगा। अपने आप को धैर्य और संयम के साथ नियंत्रित करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में रुकावट और गड़बड़ी का अंदेशा बनता है, जबकि आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल है। अध्ययन अध्यापन में लाभ मिलेगा। वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी और यात्रा के दौरान अनावश्यक खर्च संभावित है। मकर राशि वाले जातकों को कार्य क्षेत्र में सफलता और आर्थिक लाभ में सहायता मिलती रहेगी। बुध और शुक्र के दसवें भाव में होने से क्रियाशीलता, कामों में सफलता और आत्मविश्वास में वृद्धि, मगर स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशीलता बनी रहेगी। निजी संबंधों में जटिलताएं संभावित हैं। अनावश्यक खर्च का योग भी बनता है। हालांकि अपनी योजनाओं को कुशलता से नियंत्रित करते रहेंगे, मगर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आत्मसंयम आवश्यक होगा। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी। पारिवारिक सुख सौहार्द और निजी संबंधों में तालमेल बनाए रखना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की सक्रियता, आत्मविश्वास में वृद्धि और रचनात्मक प्रयासों में सफलता का संकेत मिलता है। हालांकि व्यावसायिक प्राथमिकताओं के आधार पर काम करने का प्रयास करें। आपकी स्पष्ट सोच और बुद्धि कौशल का इस्तेमाल लाभदायक उद्देश्य पैदा कर सकता है। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। विवादित योजनाओं में समझौता करना लाभदायक रहेगा। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। धार्मिक भावना बलवती होगी। सामाजिक व्यस्तता बढ़ी रहेगी और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। रुके हुए काम संपन्न होंगे। धैर्य और संयम से काम लेते हुए कार्य क्षेत्र में लगे रहें, सफल रहेंगे। नई कार्य योजनाओं में सफल शुरुआत संभव है। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। पारिवारिक सहयोग और प्रेरणा जारी रहेगी और साझेदारी के काम लाभदायक रहेंगे, मगर कुछ कामों में नकारात्मक भावना भी पैदा हो सकती है, जिससे आपकी काम करने की क्षमता प्रभावित होगी। हालांकि वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा और सफलता संभावित है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।